बाइबल में लिखा है कि दाऊद कहता है कि साम चैप्टर 16 वर्स 8 भजन संहिता 16वां अध्याय उसमें 8वां वचन को हम आज अध्ययन करने वाले हैं। साम चैप्टर 16 वर्स 8 प्रेस गॉड। मैं आपके लिए पढ़ाना मतलब आवाज पढ़ना चाहता हूँ। मैंने परमेश्वर को निरंतर अपने समूह रखा है इसलिए कि वो मेरा दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। हालेलुया, आवाज से बोलेंगे हालेलुया, आमेन। केजीवी बाइबल कहता है, आई हैव सेट द लॉर्ड ऑलवेज बिफोर मी बिकॉज ही इज एट माय राइट हैंड, आई शैल नॉट बी मूव्ड। हालेलुया, आमेन। सो इस वचन में लिखा है परमेश्वर को मैं निरंतर अपने सम्मुख रखा है। कैसे एक डेविड दाऊद जो राजा है इतनी बड़ी राज्य को इसराइल के देश को चलाने वाला वो व्यक्ति कैसे परमेश्वर को अपने निरंतर अपने सामने कैसे रख सका, यही सवाल है। आज हमारे लिए उतना बड़ा तो काम नहीं है, हमारे लिए तो उतने बड़े कारोबार नहीं है, हम सभी को उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं है, लेकिन डेविड को दाऊद को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हालेलुया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बीच में वो कैसे प्रभु को अपने इस वचन थोड़ा उल्टा हो गया, प्रेज़ गॉड। सो हिंदी में थोड़ा गलत है, आठों वचन में लिखा है कि मैं परमेश्वर को अपने समूह या मेरे सामने रखा हूं, मैं परमेश्वर को अपने समूह में या निरंतर अपने समूह में रखा हूं। सो कैसे हम लोग रख सकते हैं अपने समूह में परमेश्वर को, कैसे रख सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने यहोवा को निरंतर अपने समूह में रखा है। आज सवाल यह है कि यह कैसे हो सकता है, इतने बड़े राजा पूरे अखार देश को चलाने वाला, इतने पूरे इज़राइल की राज्यों को शासन को चलाने वाला, कैसे हो सकता है ये सब कुछ? प्रेज़ गॉड, क्योंकि परमेश्वर का समूह हमारे लिए बहुत मायने रखती है। प्रेज गॉड, आई हैव सेट द लॉर्ड, आमेन। सो व्हाट इज द मीनिंग कि परमेश्वर को मैंने हमेशा निरंतर मेरे सामने रखा, आज हम लोग रख सकते हैं क्या? क्या हम निरंतर परमेश्वर के साथ हमने अपने संबंध को जुड़ा सकते हैं क्या? हाँ, जुड़ा सकते हैं। प्रेज गॉड, जरूर। इस बिजी भरा हुआ दुनिया में, इस व्यस्त भरा हुआ दुनिया में हम जरूर प्रभु के समूह में हम जुड़ा रह सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, जरूर। इस बिजी और व्यस्त भरे हुए, तकलीफ भरे हुए, समस्या भरे हुए, इवन डेविड को भी परिवार था। हालेलुया, ही हैड अ फैमिली, ही हैड अ ह्यूज फैमिली। प्रेज गॉड, सी ही हैड अ एनिमी आल्सो, उसको शत्रु थे, दुश्मन थे, कैसे वो सर्वाइव कर रहा था? हाउ ही सर्वाइव हिमसेल्फ, अपने आप को कैसे वो बचा के रखा? उसको फैमिली थे, उसको परिवार थे, दुश्मन थे, चारों तरफ में कब ये गिरेगा, कब इसका राज्य को मैं पकड़ूंगा, दुश्मन शत्रु चारों तरफ से थे, समस्या तकलीफ एक तरफ से, फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट होता था, तो हाउ यू सर्वाइव हिमसेल्फ। टुनाइट आई वांट टू टॉक विथ यू, हालेलुया,
आज रात मैं तुमसे कुछ बातों को बताना चाहता हूं, हम भी सर्वाइव हो सकते हैं. प्रेज द लॉर्ड. इन स्पाइट ऑफ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम वी आर सफरिंग नाउडेज. हम बहुत कुछ तकलीफ को कभी कभी हम सामना करना पड़ता है. फैमिली प्रॉब्लम, बच्चे की प्रॉब्लम, फिनेंशियल प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम. हम बहुत कुछ समस्याओं को कभी कभी हमारे सामने जाना पड़ता है. तो कैसे हम सब इन सारे तकलीफ के बीच, बिकॉज दिस प्रॉब्लम इज ऑलवेज डिस्ट्रैक्ट यू और डाइवर्ट यू और ही विल कोलैप्स यू बिकॉज द प्रॉब्लम हिट योर फैमिली. दैट इज द मोमेंट, दैट इज द टाइम यू कोलैप्स योर सेल्फ. सो हाउ यू सर्वाइव योर सेल्फ? कैसे उस समय अपने आप को बचा के रख सकते हैं? कैसे हम प्रभु में या प्रभु को हम सामने या प्रभु को सम्मुख में हम कैसे रख सकते हैं? आज परमेश्वर आपकी जिंदगी बदलने वाला है. हालेलुया. आमेन. आवाज से बोले हालेलुया. मैं आज तुम्हारे जिंदगी में एक बड़ी रिवाइवल को लाने वाला. हालेलुया. मुझे मालूम है जब परमेश्वर के वचन में बोलता हूं कुछ तो होने लगता है, कुछ तो होने लगता है. हालेलुया. परमेश्वर प्रियजनों, कि कैसे हम प्रभु के समूह को, निरंतर अपने प्रभु के समूह को कैसे हम रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं? क्योंकि इस दुनिया में ऐसे काफी तकलीफ है जो हमारे जीवन को प्रभु के रास्ते से हमें भटका सकती है. ऐसे कुछ तकलीफ है जो हमारे जिंदगी से दूर, हमें मसीह से दूर लेकर जा सकती है. ऐसे कुछ तकलीफ है, ऐसे कुछ समस्या है, मुसीबत है जो हमें प्रभु से दूर लेकर जा सकते हैं. कुछ समय ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, ऐसे ऐसे तूफान हमारी ओर आती है और इसी तूफान में बहुत लोग अपने जीवन को छोड़ देते हैं, बहुत लोग खुदकुशी कर लेते हैं, बहुत लोग अपने जीवन को मार डालते हैं. परमेश्वर प्रियजनों, लेकिन हम कैसे इस तकलीफ के बीच में हम कैसे हम रह सकते हैं? ओ इस तकलीफ के बीच में हम कैसे सरवाइव हो सकते हैं? इस रात के समय परमेश्वर आपसे यही बात करता है. इतने बड़े किंग डेविड, इतने बड़े राजा दाऊद, अपनी जिंदगी में कैसे अपने आप को उसने संभाला, या कैसे अपने आप को उसने बचाया? वचन में लिखा है कि दाऊद के जीवन में कितने बड़े बड़े तकलीफ आए, वो कैसे सामना करना, मतलब सामना किया और जय पाया, विजय पाया, कामयाब पाया, कैसे? इसलिए वो कह रहा है, मैं परमेश्वर को, मैंने यहोवा को, मैंने प्रभु को, मैंने ईश्वर को निरंतर अपने समूह में रखा है. हालेलुया. आवाज से कहेंगे हालेलुया. परमेश्वर प्रियजनों, कैसे इस तकलीफ उसने सामना किया है? उसने बोलता है, मुझे मालूम है इस संसार में तकलीफ समस्या मेरे खिलाफ आएंगी, मेरे परिवार के लोग कब खिलाफ मुझे उठ सकते हैं परिवार के लोग. आपको मालूम है डेविड के जीवन में उसके डैडी ने उसको उतना सम्मान नहीं किया. वो भेड़ चरा रहा था, प्रेज़ गॉड, एकदम नॉर्मली इंसान था, लेकिन परमेश्वर ने उसी शेपर्ड को, उस भेड़ चराने वाले को प्रभु ने बड़ा राजा बनाया. आमीन. एक ही कारण, उसने प्रभु को निरंतर अपने समूह में रखा था. हालेलुया. इफ यू वांट टू विक्ट्री योर लाइफ, इफ यू वांट टू ओवरकम योर लाइफ, If you want to defeat the demonical power, you should understand, always you set your God before your life. Parmeshwar ko apne samug hamesha rakhiye. So hum kaise Parmeshwar ka us samug ko nirantar apne paas kaise rakh sakte hain? Isliye isme likha hai ki maine Prabhu ko mere samug mein rakha. Iska matlab to agree with. Kya hai? अगर परमेश्वर के सम्मुख तुम्हारे सामने हमेशा रहना है तो उसे एक अग्रीमेंट कीजिए. हालेलुया. उसे एक समझौता कीजिए. गॉड, मैंने मेरे जीवन को आपके हाथ में सरेंडर कर दिया है, क्योंकि
आपने मुझे इस दुनिया में भेजा है, और आपने इसलिए बाइबल में लिखा है, दाऊद कह रहा है, मेरे मां के खोग में, मेरे मां के पेट में एक हड्डी निर्माण होने के पहले हर हड्डियों को तूने गिनती में रखा है। आमीन। मैंने हर मेरे शरीर के हर अंग तू जानता है, मेरे मां के खोग में आने के पहले तू जानता है। गॉड, मैं तेरे से अग्रीमेंट करता हूं, प्रेज द लॉर्ड, मैं आपसे एक समझौता करता हूं, मैं आपके साथ एक अग्रीमेंट करता हूं। आज अपने लाइफ में एक अग्रीमेंट होना चाहिए। देखो, लाइफ ऐसे ही जी नहीं सकते हैं। लाइफ बहुत नहीं, बहुत लोग अपने खुद के ताकत से कितने दिन खड़ा हो सकते हैं। इस दुनिया एक भयानक दुनिया है। शैतान अचानक कुछ परिवार दिखने में बहुत हरी भरी दिखती है, अचानक वो परिवार में कुछ प्रॉब्लम आ गई, अचानक कुछ सडनली कुछ हो गया उस परिवार में, उस परिवार पूरा रोड में आ गया। क्योंकि कोई परिवार अपने खुद के ताकत से इस दुनिया में जीवन नहीं बिता सकते हैं। आज कितने परिवार है जो बहुत ऊंचे स्थल में था, आज वे नीचे आ गए, बहुत ऊंचे जगह में खड़े थे, आज नीचे आ गए। क्यों? क्योंकि उनके पास ईश्वर नहीं है, उनके पास प्रभु यीशु नहीं है। और यीशु जिनके पास नहीं है, उस परिवार को शैतान गिरा सकता है, उस परिवार को शैतान गिरा सकता है, उस परिवार को शैतान डिस्ट्रॉय कर सकता। वचन में लिखा है, शैतान इसीलिए आया, वो तुम्हें मारने के लिए आया, वो तुम्हें हत्या करने के लिए आया, वो तुम्हें घात करने के लिए आया, वो तुम्हें नाश करने के लिए आया। लेकिन मैं इसीलिए आया हूं, तुम्हें अबंडेंस लाइफ देने आया हूं, मैंने तुम्हें परिपूर्ण जीवन देने आया हूं। हालेलुया। शैतान का साजिश, शैतान का षड्यंत्र तुम्हें गिराना है, लेकिन जीसस का काम है तुम्हें बचाना है। हालेलुया। लेकिन उनके साथ तुम्हारा अग्रीमेंट होना चाहिए, उनके साथ तुम्हारा अग्रीमेंट होना चाहिए, उनके साथ तुम्हारा एक समझौता होना चाहिए। जिस दिन तुम गॉड के साथ, गॉड मुझे आपकी राहों में चलाइए, इस राहों में आप मुझे अगुवाई करें, आप मुझे मार्गदर्शन करें, मैं कैसे चलना है मुझे दिखाइए, जब आप बोलने लगते हो, परमेश्वर जरूर आपके साथ अपने अग्रीमेंट करता है। हालेलुया। सो मैंने परमेश्वर को निरंतर अपने समूह रखा, मतलब वो गॉड के साथ एक अग्रीमेंट था। आज इस रात के समय, टुनाइट योर लाइफ शुड बी सरेंडर। हालेलुया। आपकी जिंदगी आज रात के समय समर्पण करें, एक अग्रीमेंट करें। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, आई वॉन्ट टू टेल यू सिस्टर, आई वॉन्ट टू टेल यू ब्रदर, आपको तकलीफ में आप गुजर रहे हैं क्या? आज इस डेविड के समान, इस राजा डेविड के समान आज गॉड के साथ एक अग्रीमेंट करें। गॉड, मैं आपके साथ एक अग्रीमेंट करना चाहता हूं, आपके साथ में रहना चाहता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह अभी हमारे अंदर है। हालेलुया। लेकिन अंदर है, लेकिन उनके साथ अग्रीमेंट नहीं है। हमने जीसस को अपनाया है, यीशु को ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, लेकिन यीशु के साथ हमारे कुछ अग्रीमेंट नहीं है। स्टिल दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। यीशु उनके अंदर है, फिर भी वे लोग प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग अकेला फेस कर रहे हैं, जीसस के साथ नहीं। आमीन। अगर आप जीसस के साथ अपने अग्रीमेंट में आ जाएं, तो आप फेस नहीं करेंगे, जीसस फेस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर प्रियजनों, आपके जिंदगी में, आपके फैमिली में, आपके बिजनेस में, आपके फैमिली लाइफ में, आपके हर राहों में, हर बातों में, हर विषयों में, कभी कभी एक ऐसा समय आती है कि क्या मैं निर्णय लूं? कुछ समय ऐसे समय आती है कि मैं क्या निर्णय लूं इस समय? उस समय गॉड से पूछिए, गॉड मुझे आप सहायता करें कि मैं इस डिसीजन को, इस पर्टिकुलर विषय को, इस बातों में मैं कैसे निर्णय लूं? मुझे ज्ञान दे, मुझे समझ दे। देयर इज द टाइम परमेश्वर आपको ज्ञान देता है, आपकी भेजा खोल देता है, और आप सही निर्णय लेते हो और बच के निकलते हो। हालेलुया। आमीन। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे ऐसे समय आती है जब हम निर्णय लेने के लिए तड़पते हैं, क्या करूं,
कुछ समय ऐसा है कि मुंबई खाली करूं या मैं कान जाऊं या इस घर को खाली करूं, मैं वहां जाऊं या मैं कौन सी पढ़ाई करूं, कौन सा कैरियर को मैं छूं, कौन सी कैरियर में जाऊं, कौन सी काम करूं, कौन सी नौकरी करूं। हम तड़पते हैं, सम टाइम वी आर फेल टू टेक अ डिसीजन एंड अल्टीमेटली अल्टीमेटली यू टुक ए रॉन्ग डिसीजन। आखिरकार में तुम गलत डिसीजन लेकर मर जाते हो। क्यों? तुम उस महान ईश्वर की आराधना करने वाले तुम एक मामूली जीवन क्यों बिता रहे हो? यू आर सर्विंग द हाई माइटी गॉड, यू आर सर्विंग द ऑल माइटी गॉड, बट यू आर लिविंग वेरी नॉर्मल सिचुएशन। व्हाई? तुम इतनी महान ईश्वर की आराधना करते हो और एक नॉर्मल जीवन बिताते हो तुम। आज रात का समय तुम्हारा लाइफ बदलना चाहिए। योर गॉड इज ऑलमाइटी गॉड, योर गॉड इज ओमनिसिएंट गॉड, योर गॉड इज ओमनिपोटेंट गॉड, योर सर्विंग योर गॉड इज अ वेरी हायर गॉड। ही इज योर प्रोवाइडर, ही इज योर सप्लायर। व्हाई यू आर स्ट्रगलिंग? क्यों तुम लोग संघर्ष कर रहे हो? और इन सारे दुनिया जो तकलीफ में जी रहे, वैसा क्यों तुम एक मामूली जीवन बिता रहे हो? क्यों एक साधारण जीवन बिता रहे हो? इतनी बड़ी ईश्वर की आराधना करने वाले, जिनकी सिंहासन स्वर्ग में है, जिनकी पैर इस धरती में है, और इतनी बड़ी ईश्वर को मतलब आराधना और स्तुतिगान करने वाले, एकदम सड़कों में रहने वाले एक भिखारी की जैसा क्यों जीवन बिताना है तुम्हें? I want to tell you something. Come out from this struggling. Enjoy your life. अपने जिंदगी को enjoy कीजिए। यीशु मसीह ऐसे ही क्रूस पर नहीं मरा, यीशु मसीह ऐसे ही जीवन नहीं दिया, तुम्हें enjoy का जीवन देने के लिए क्रूस पर मरा है। आज कभी कभी मुझे आंसू आती है, इतनी बड़ी ईश्वर की आराधना करने वाले एकदम नॉर्मली जीवन बिताते हैं लोग। एकदम जैसे लोग स्ट्रगलिंग करते हर विषय के लिए, वैसे हर कुछ मसीलो हर विषय के लिए स्ट्रगलिंग संघर्ष करते हैं। कम आउट फ्रॉम दिस स्ट्रगलिंग, इट इज इजी। आमेन। गॉड कॉल्ड यू टू लिव अ सुपर नेचुरल लाइफ। परमेश्वर ने तुम्हें सुपर नेचुरल लाइफ जीने के लिए बुलाया है, सबकी जैसा मामूली की जीवन बिताने के लिए नहीं है। हाथ उठाकर बोले, मैं सुपर नेचुरल लाइफ जीने के लिए मुझे बुलाया है। हालेलुया। एक अलौकिक जीवन तुम्हें बिताने के लिए जीसस ने तुम्हें बुलाया है। तुम नॉर्मली जैसे लोग तकलीफ उठा रहे वैसे जीने के लिए यीशु ने तुम्हें नहीं बुलाया है। जिस दिन तुम अपने अपने आप को समझते हो, तब तुम्हारा लाइफ स्ट्रगलिंग उसी दिन खत्म हो जाती है। उस दिन के बाद तुम एंजॉय करते अपने लाइफ को, अपने लाइफ को तुम एंजॉय करेंगे। लाइफ स्ट्रगलिंग करने के लिए नहीं है, लाइफ एंजॉय करने के लिए गॉड ने दिया है। आमेन। आज हर एक हर दुनिया में हर इंसान स्ट्रगलिंग करते संघर्ष करते हैं, वैसे तुम संघर्ष करने के लिए यीशु ने तुम्हें नहीं बुलाया। यीशु ने तुम्हें इसीलिए बुलाया, एंजॉय योर लाइफ। से एवरीवन, एंजॉय योर लाइफ। हालेलुया। बोले प्रभु बहुत महान है। आवाज से बोले प्रभु बहुत महान है। मैं उनकी सेवा करता हूं। बोले मैं उनकी सेवा करता हूं। मैं मामूली जीवन बिताने के लिए मुझे नहीं बुलाया गया, मैं सुपरनैचुरल जीवन बिताने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। कन्फेस योरसेल्फ डियर सिस्टर एंड ब्रदर। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन तुमने जीसस को अपनाया, उसी दिन सुपर नेचुरल पावर उसी दिन तुम्हारे अंदर स्टार्ट हो चुका है। सबकी जैसा तुम जीवन बिताने के लिए जीसस ने तुम्हें नहीं बुलाया है। ओह हालेलुया। सो डेविड, ये दाऊद अपने जीवन में सुपर नेचुरल जीवन कैसा बिताया, कैसे अलौकिक जीवन बिताया उसने? क्योंकि वो परमेश्वर को अपने समोग रखा है।
इतनी बड़ी राजा, इतनी बड़ी शासन चलाने वाला, उसको इतनी जिम्मेदारी है, उनकी दुश्मन परिवार फैमिली वो मैटर सारे मैटर, इनके बीच में वो कैसे अपने जीवन को एंजॉय किया, कैसे अपने लाइफ को उसने सरवाइव किया, कैसे अपने जिंदगी को इतने तकलीफ के बीच में वो एक जय का जीवन बिता सका, क्योंकि वो प्रभु को अपने समूह में रखा है। हालेलुया। सो समूह में रखा मतलब क्या, अग्रीमेंट। प्रभु के साथ क्या करो, एक अग्रीमेंट करो, समझौता करो प्रभु के साथ। प्रभु के बिना मैं कहां नहीं जाऊंगा, प्रेज गॉड, मैं प्रभु के बिना मैं बाहर नहीं जाऊंगा, प्रभु के बिना मेरा लाइफ नहीं बिताऊंगा, प्रेज गॉड। मेरे परमेश्वर प्रियजनों, हाँ जितने स्थान पर बैठे, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में प्रभु को अपने समूह को छोड़कर, प्रभु के साथ जो अग्रीमेंट आपने रखा है इसे छोड़कर एक भी कदम आगे मत बढ़ना। हालेलुया। जब तुम आगे बढ़ते हो तो हमेशा याद रखना कि आप परमेश्वर के साथ अपने समूह को, मतलब परमेश्वर के समूह को आपने अपने साथ रखा है। बोला प्रभु मैं निकल रहा हूं, हमेशा तू मेरे साथ है, धन्यवाद हो, चलो हम निकलेंगे। हालेलुया। प्रभु मैं आज कुछ नौकरी खोलने वाला हूं, कुछ नया बिजनेस खोलने वाला हूं, लड़समो। हालेलुया। उसके बिना एक विषय में कदम, एक विषय में हाथ मत रखना, उनके समूह के बिना आगे मत बढ़ना। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर के साथ उसके समूह रखने से हमें प्रॉफिट होती है। हालेलुया। Amen। परमेश्वर आपको प्रॉफिट देने के लिए वो आपके साथ है। उसका समूह, बोले उसका समूह मुझे प्रॉफिट देती है। हालेलुया। उसका समूह मुझे फायदेमंद में होता है। Amen। जरूर उसके समूह के साथ अगर तुम्हारे अग्रीमेंट है, उसके समूह के साथ आपकी समझौता है, तो उससे आपको फायदा ज्यादा होने वाला है। किसको फायदा होने वाला है? वो आपको। हालेलुया। आज लोग छोटे छोटे बातों के लिए इतनी संघर्ष करते हैं। मैं बैठता हूं और सोचता हूं कि इतने मामूली चीजों में सिर फोड़ के इन लोग क्यों बैठे हैं। इट्स वेरी नॉर्मल थिंग्स। प्रेज गॉड। जिन लोग समझ गए यीशु के समूह को, जो लोग प्रभु के उस समूह को समझ गए, तो वो कभी डरता नहीं है। वो बड़े बड़े पर्वत को भी छोटा छोटा धूल की जैसा देखने लगता है। आमीन। लोग उसी पर्वत में मर जाते हैं, लेकिन तुम पर्वत में नहीं मरेंगे, तुम उसको ऐसा लात मारेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। आमीन। क्यों? क्योंकि आपके साथ जो समूह है, आपके साथ जो प्रभु की उपस्थिति है, जो आपके साथ जो परमेश्वर की हुजूरी है, जो आपके साथ जो चल के आ रहा है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। ओ मैं प्रभु की महिमा देकर, हालेलुया, वो आपकी फायदा होने वाली है। उसके बिना क्यों धंधा में हाथ रखते हो? उसके बिना क्यों बिजनेस में हाथ रखते हो? उसके बिना क्यों घर के बाहर घूमते हो? उसके बिना किधर उधर इधर भटकते हो? उसके बिना सिर क्यों फोड़ते हो? उसके बिना ये कैसा होने वाला, कैसे निर्णय लेते हो? उसके बिना कुछ निर्णय मत लेना, उसके बिना किसी बातों में हाथ मत डालना। जो भी काम कर दुआ से कर, जो भी काम कर मेरे साथ प्रभु है ये विश्वास के साथ कर, तब देख तुझे कोई विषय में स्ट्रगलिंग और संघर्ष नहीं होगा। Praise the Lord। बोले मुझे प्रॉफिट होने वाला है। हालेलुया। तुम्हें हर विषय में प्रॉफिट होगा, तुम्हें हर बातों में प्रॉफिट होगा, क्योंकि वचन में लिखा है तुम्हारे मुंह से आने वाले शब्दों को प्रभु इज्जत करता है, और वो शब्दों को पृथ्वी में गिरने के लिए कभी इजाजत नहीं करता है। जब तक मूवमेंट, जब तुम मुंह खोल के बोलता है, उसी समय गॉड उसको वैल्यूएबल समझता है, उसको सम्मान करता है, उसको इज्जत करता है। इट्स अ प्रॉफिट फॉर योर लाइफ। इसलिए इसमें लिखा है कि परमेश्वर के समूह तेरे जीवन में रहने से प्रॉफिट केवल नहीं है, तेरे जिंदगी में रखान हो जाती है। इसका मतलब तू गिन नहीं सकता है उतने कार्य परमेश्वर तुम्हारे जीवन में करेगा। आमीन। यू कैनॉट काउंट, यू कैनॉट रखन। प्रेज गॉड। तू गिन नहीं सकता है उतनी ब्लेसिंग तेरे लाइफ में उमड़ते जाएगा। बोले प्रभु के समूह की वजह से मैं
आशीष को गिन नहीं सकता हूं। हाथ उठाकर बोले, प्रभु का समूह की वजह से मैं आशीष को गिन नहीं सकता। हालेलुया, एक के पीछे एक आशीर्वाद आते जाएगा, तुम बैठ के गिन नहीं सकते हो। गिनने का दिन खत्म हो रही है। आज लोग धंधा खोलने के बाद सोचते हैं ये आज का कितना हुआ गिनती, अरे इतना ही हुआ, चला आज का जो है। फिर अगला, ऐसा मत बोलो। जब तुम गिनते समय विश्वास के साथ गिनो कि आने वाला दिन मैं गिन नहीं सकता हूं, मेरा मशीन रख के गिनूंगा। हे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ऐसे विश्वास को अंगीकार कीजिए, कबूल कीजिए और बोलिए कि मेरा गिनने का दिन खत्म हो रही है और मशीन गिनने का दिन आ रही है। कितने लोग विश्वास करते हो? जोर से बोलिए हालेलुया। तुम विश्वास करे तो जरूर तुम कटनी करेंगे, नहीं तो फिर जिंदगी भर का खाली उंगली से गिनते रहने का। बस इतना, ये दिन खत्म हो रही है, आ रही है तेरे लिए गजाना। ओ लासा राता नामा, अंगीकार कीजिए और ग्रहण कीजिए जो मैं तुमसे बात कर रहा हूं यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर प्रिय जनो, जिस दिन तुम्हारे सोच वचन, मतलब हमेशा याद रखिए, तुम्हारे जो शब्द है ना, जो क्वालिटी भरा हुआ शब्द होना चाहिए, ओके? एकदम क्वालिटी भरा होना चाहिए, तब तुम्हारे जिंदगी भी ऐसे ही बनेंगे। तुम्हारे शब्द फालतूगिरी की निकलती है, मतलब हमेशा नेगेटिविटी होगा, क्या ये क्या हो रहा है, इस तरह से बोलते रहेंगे। तेरे जिंदगी भी ऐसे, मुंह से बोलते समय तगड़ा शब्दों को बोलिए, कड़क शब्दों को बोलिए, बोलिए कि मेरा जिंदगी अभी, मेरा हाथों से गिनने का दिन खत्म हो रही, आ रही है मशीन। हालेलुया। रखन, यू कैनॉट रखन, यू कैनॉट काउंट इट, द काउंटलेस ऑफ ब्लेसिंग इज गोइंग टू कम योर लाइफ। हालेलुया। तुम गिन नहीं सकते हो, ऐसे आशीर्वाद तुम्हारे घर में आएगा मेरे परमेश्वर प्रियजनों, क्योंकि तुम प्रभु को, समूह को अपने साथ रखे हो। दाऊद कह रहा है कि मैं उसको अपने सामने हमेशा सेट करके रखा हूं। क्या करके रखा हूं? I have set, इंग्लिश में ऐसे ही लिखा है, मैं इंग्लिश में, I have set the Lord, क्या लिखा है? I have set the Lord, मैंने प्रभु को क्या कहा, मेरे सामने खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। So, परमेश्वर प्रियजनों, तुम्हारे प्रॉफिट होने वाली है, तुम गिन नहीं सकते हो। परमेश्वर प्रियजनों, उतना ही नहीं है कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में वो रिसम्बल तुम्हें करता है। रिसम्बल, रिसम्बल मतलब उसका समूह की जैसा, उसके जैसा तुम रिसम्बल हो जाते हो। तुम्हें देखे तो जीसस दिखेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा, मैंने जी रहा हूं, मेरे अंदर कौन जी रहा है? पौलुस कह रहा, नो मोर आई एम, मैंने जी रहा हूं, मेरे अंदर कौन जी रहा है? मेरे हाथ यीशु का है। हालेलुया। परमेश्वर का समूह का मतलब क्या है? कि तुम प्रभु की जैसा बदल जाते हो, तुम प्रभु की जैसे बदल जाते हो, रिसम्बल, तुम उसी की जैसा बदल जाते हो। कोई भी तुम्हें देखे यीशु को देखता है, जो भी तुम्हें देखे वो यीशु को देखता है, क्योंकि तुम मर गए हो, तुम्हारे अंदर जो जी रहा वो मसीह जी रहा है। हालेलुया। आवाज से बोले हालेलुया, मैंने जी रहा हूं। बोले मैंने जी रहा हूं। रसंबल, तुम उन्हीं की जैसा बदल जा रहे हो। बोले मैं उसकी जैसा हूं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे देखेगा वो मेरे बाप को देखता है। वैसे तुम भी कहो, जो मुझे देखता है वो मेरे ही बाप को देखता है। बोलते कभी हम अपने अपने जीवन को? हालेलुया, प्रेज गॉड। हमेशा बोलिए कि मेरा भाव मेरे अंदर जी रहा है, जो मुझे देखता है वो यीशु को देखता है, क्योंकि यीशु का रूप तुम्हारे अंदर है। आमेन। आप बोलेंगे, पास्टर मेरा कान तो यीशु की जैसा नहीं है, मेरे मुंह को तो, मेरे नाक तो यीशु की जैसा नहीं है, मेरे दांत तो ऊपर नीचे चल रही है, ओ मेरे हाथ में तो ऊपर नीचे कैसे ही कैसे कैसे दिख रहा है, मैं तो यीशु की जैसा नहीं दिख रहा हूँ। पास्टर जी मेरा पैर कैसा है, वाकड़ा देखड़ा चल रहा हो, ओ शाकाला दर, हालेलुया, ओ मुझे कोई देखते बोलते क्या रे तू ऐसे चलता मुझे पूछ रहा है, क्यों तू ऐसे चलता मुझसे पूछ रहा है, पास्टर जी ओ मैं यीशु के जैसा नहीं। ए हालेलुया, तू बाहर जो देख रहा है वो ओरिजिनल नहीं है, अंदर ओरिजिनल है, वो यीशु का जैसा है। हालेलुया। बोले मेरे अंदर यीशु का जैसा हूं मैं। हालेलुया। तुम्हारे अंदर जो भीतरी जीवन है वो यीशु की जैसा है। इसलिए बाइबल में लिखा है, रसंबल,
तुम उनकी जैसा दिख रहे हो, डुप्लीकेट है हम लोग, ऐसा नहीं है, हम सही है, उनकी जैसा कापी मारा गया। जीसस से हम जराक्स लिया गया, हम जीसस की जराक्स लोग है। हालेलुया, हम ओरिजिनल जराक्स है, वी आर नॉट जराक्स, वी आर ओरिजिनल इमेज है। बाइबल में लिखा उसकी लाइकनेस हमारे ऊपर है, उसकी इमेज हमारे ऊपर है, उसकी स्वरूप हमारे ऊपर है, उसकी स्वरूप में हम बनाए गए उसके। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं परमेश्वर का स्वरूप तुम्हारे ऊपर जा चुकी है, उसकी इमेज तुम्हारे ऊपर मार चुका है, तुम जीसस की जैसा दिख रहे हो। बोलिए, जीसस कभी दरिद्र में रहता है क्या? जीसस कभी दुख में रहता है क्या? जीसस पीठ दर्द बोलता है क्या? जीसस आंख दर्द बोलता है क्या? जीसस कान दर्द बोलता है क्या? जीसस नेक दर्द बोलता है क्या? जीसस हाथ दर्द बोलता है क्या? जीसस घुटने दर्द बोलता है? नहीं, अगर जीसस को नहीं तो मुझे भी नहीं। ताली बजाकर बोले हालेलुया, हे शाखांदरा बलाबा, हालेलुया, आवाज से बोले हालेलुया। हमें उतना ही नहीं है, हम उसके लेवल में चला जाते हैं, नॉट रिसेम्बल, उसके साथ जो लेवल जीसस का लेवल है वो लेवल में हम चला जाते हैं। आमेन। वचन में लिखा राइटियसनेस, व्हाट इज द राइटियसनेस? राइट स्टैंडिंग विद गॉड। राइटियसनेस का मतलब क्या? धार्मिकता का मतलब क्या? प्रभु के साथ खड़ा रहने का ताकत यीशु ने हमें दिया है। आमेन। बोले मैं उसका लेवल में हूं, ए आवाज से बोलिए मैं उसके लेवल में हूं। आमेन। हालेलुया, हम लोग उसकी राइटियसनेस को पाए हैं। परमेश्वर प्रियजन, हम धार्मिकता के लोग हैं। धार्मिकता के मतलब क्या है? कि खुद अपने कर्म से हम धार्मिकता नहीं हो सकते, यीशु मसीह ने हमें फ्री ऑफ गिफ्ट दिया है, वो मुफ्त में हमें मिला है, वो निःशुल्क है, हमें कुछ भी हमने कुछ नहीं किया, उसने फ्री में हमें दिया, क्योंकि हमने जीसस को अपनाया, वो हमें फ्री मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो मैं राइटियसनेस हो, बोलो मैं धार्मिकता हो, आमेन, बोलो मैं उसकी लेवल में हो। हालेलुया, हम उसकी जैसे दिख रहे हैं, हम उसकी जैसे दिख रहे हैं मेरे परमेश्वर प्रियजनों, और उतना नहीं है परमेश्वर प्रियजनों। आई हैव सेड द लॉर्ड ऑलवेज, ऑलवेज मतलब क्या है? निरंतर मतलब क्या है? कंटिन्यूटी, आवाज से बोले कंटिन्यूटी। आमेन। कुछ लोग जब अच्छा रहेंगे तो प्रार्थना करेंगे, कुछ भला हो गए तो प्रार्थना करेंगे, कुछ तो दूसरा कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो उस दिन प्रार्थना भूल जाएंगे, फिर तकलीफ को सिर में उठाकर घूमेंगे, इसलिए तुम फेलियर को अपना रहे हो। आमेन। तुम जब तुम्हारे साथ भला हो रहा है, जितनी प्रार्थना करते हो वैसे ही तकलीफ के समय और ज्यादा प्रार्थना करो, और प्रार्थना में डूब जाओ, और दुआ करो, और विनती करो, क्योंकि आपकी जिंदगी में हमेशा तुम प्रार्थना करना भूलना नहीं। हालेलुया। सो अपने परमेश्वर के सम्मुख को हम हमेशा, हम निरंतर कंटिन्यूटी निरंतर हमारे जीवन में रखना चाहिए। परमेश्वर प्रियजनों, इसमें लिखा है कंटिन्यूसली और कंटिन्यूटी, हमारे जीवन में उसके कंटिन्यूटी करना है, ताकि एक दिन भी उससे क्या नहीं करना चाहिए, उससे निकलना ना चाहे, उसको प्रभु के सम्मुख को हमेशा रात और दिन हमारे साथ रखना है। किसके साथ रखना है? हमारे साथ प्रभु की उपस्थिति को 24 घंटे हम परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जिंदगी में निरंतर और सदा सर्वदा हमारे मरने तक हम प्रभु के सम्मुख में जीना चाहिए। हालेलुया, बोलो कंटिन्यूटी। आमेन। बोले निरंतर, बोले निरंतर, बोले सदा सर्वदा। परमेश्वर प्रियजनों, परमेश्वर की इस उपस्थिति को अगर आप कंटिन्यूटी रखना है तो डेली सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेली सैक्रिफाइस। इसका मतलब तुम जाकर अपने आप को जलाओ मत। हालेलुया। अपने आप को कुर्बान करना मतलब क्या है? ये मतलब आग जला दो, घासली डालो, जलाओ, वो नहीं बोल रहा हूं। कंटिन्यूटी, अगर निरंतर तुम प्रभु के समूह को अपना सामना रखना चाहते हो तो मैं तुम्हें कहता हूं कि यहां इसकी डिस्क्रिप्शन दिया जाता, इसकी व्याख्या दिया जाती, इसकी विवरण दिया जाता, उसके बारे में और एलेबरेटली बताया जाता कि सैक्रिफाइस कर। सैक्रिफाइस करना मतलब क्या है? कुछ समय तुम्हें बॉडी तुम्हारा बहुत पेन हो जाएगा,
बहुत दर्द हो जाएगा, बॉडी शरीर कहता है दुआ मत कर, नींद आ रहा है सो जा, नींद आ रहा है सो जा। प्रेज गॉड। फिर भी तुम कैसे भी हो तुम प्रार्थना में बैठ गए, और प्रार्थना में बैठने वाले पंगा लगा के बैठ गए, पंखा इतनी तेज से घूम रहा है तुम भी घूम रहे हो। प्रेज गॉड। मेहरबानी करके अपनी पंखा बंद कीजिए, फिर दुआ करें, नींद नहीं आएगा। हालेलुया। परमेश्वर प्रिय जनों, कुछ समय आपको एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, छह दिन दुआ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में पेन होती है, या ज्यादा बिजी हो जाते हो, या ज्यादा काम है, या ज्यादा कोई लफड़ा प्रॉब्लम चल रही है, इसकी वजह से तुम क्या हो जाएंगे, आज तो नहीं होगा, चलो कल। अपने अपना शरीर हमसे बात करता है, आपको मालूम है, अपने बॉडी हमसे बात करता है, आज क्यों करता है कल करना है, क्या प्रभु तेरे में गुस्सा हो जाएगा क्या, फिर हाँ चलेगा, फिर आप मान लो फिर सो जाते हो, दूसरा दिन आया, दूसरा दिन और बोलता है प्रार्थना कर रहे हैं, तो इतना देखो उधर गया, चल के गया, गाड़ी में गया, सफर में गया, कितना बॉडी पेन हो रहा है, कितना कितना थोड़ा सोच ले, थोड़ा अभी 5 मिनट सो लेना, फिर 10 मिनट के बाद प्रार्थना करना, 5 मिनट 5 घंटा चला गया। प्रेज गॉड। फिर वैसे ही कंटिन्यूटी इस तरह से शरीर तुमसे बात कर रहा, शरीर के ऊपर तुम जय पाना है, याद रखो शरीर के ऊपर तुम जय पाना है। शरीर के ऊपर अगर तुम जय नहीं पाएंगे तो शरीर तुमसे बात करेगा, शरीर तुमको बोलेगा, तुमको डिक्टेट करेगा, तुमको चलाएगा, आज क्यों करते हो चलो कल करना, आज क्यों चर्च में जा रहे हो तुम, तो ये हफ्ते में 3 बार जाके आया ना, तो अगला हफ्ता जाना, फिर अगला हफ्ता, अगला हफ्ता, अगला हफ्ता। प्रेज़ गॉड। क्योंकि तुम अपने शरीर से मार्गदर्शन नहीं पाओ, तुम परमेश्वर की आत्मा से, इसलिए वचन में लिखा है शरीर क्या है कमजोर है, आत्मा क्या है उत्साह से भरा है। हमें उस वचन की ओर बढ़ेंगे। यौहान के सुसमाचार के रचित की पुस्तक में उसमें 6वां अध्याय उसमें 63 को पढ़ेंगे। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। हाँ हाँ, जो वचन मैंने तुमसे, ऐसा पढ़ना बेटा, जो वचन मैंने तुमसे कहा है वो क्या है, वो आत्मा है और वो जीवन भी है। कितने लोग समझ रहे हैं इस वचन को, नोट डाउन करके रखें, बहुत मुख्य वचन है। प्रेज गॉड। हमारे शरीर तो क्या है, कमजोर है, हमारे शरीर क्या है कमजोर है, इसलिए तुम्हारे शरीर तुम्हारे साथ सहयोग नहीं करता है, तुम्हारे साथ मदद नहीं करता है। इसलिए लिखा है आत्मा ही जो जीवन देता है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। जो बातें मैंने तुमसे कही है, या जो वचन मैंने तुमसे कहे, वे वहां वचन करके लिखना है, क्योंकि कभी कभी, क्योंकि मुख्य शब्द वहां छूट गए हैं। जो बातें या जो वचन मैंने तुमसे कहा वे आत्मा और जीवन है। बोले वचन आत्मा और जीवन है। आवाज से बोले वचन आत्मा और जीवन है। ओके समझ गए आप लोग। ओके मैं आपको इंग्लिश में पढ़ता हूं। इट इज द स्पिरिट दैट क्विकनेथ, द फ्लश प्रॉफिट नथिंग, द वर्ड्स दैट आई स्पीक। देखो इंग्लिश में लिखा द वर्ड्स, जो वचन जो शब्द, द वर्ड्स दैट आई स्पीक अनटू यू दे आर स्पिरिट एंड दे आर लाइफ, दे आर लाइफ। प्रेज गॉड। बोले वचन में आत्मा है, बोले वचन में जीवन है। हालेलुया। इट इज अ स्पिरिट दैट क्विकनेथ द फ्लश प्रॉफिट नथिंग, शरीर से कोई फायदा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर से कोई फायदा नहीं होती है, शरीर को कितना भी संभालो कोई फायदा नहीं। आज लोग क्या क्या शरीर को संभालते मालूम है, लोग शरीर के लिए इतना समय देते हैं, अपने शरीर को संभालने के लिए क्या क्या करते हैं, इसलिए बाइबल कहता है इट्स नथिंग। भाई मैंने कहता हूं फ्लस प्रॉफिट नथिंग, सब लोग बोलिए फ्लस, हाथ उठाकर बोले फ्लस प्रॉफिट नथिंग।
जलाए जाएंगे, नहीं तो गाड़े जाएंगे, कीड़ा खाएंगे। आमीन। समझ रहे मेरी बात अब लोग? इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, इट इज द स्पिरिट दैट कुकेंथ, द फ्लश प्रॉफिट नथिंग, द वर्ड्स दैट आई स्पीक अनटू यू दे आर स्पिरिट, दे आर लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। आवाज से बोले हालेलुया। और आवाज से बोले हालेलुया। मेरे परमेश्वर प्रियजनों, आज इस समय जितने इकट्ठे हुए, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन जो है वो स्पिरिट है। परमेश्वर के वचन क्या है? इसमें लिखा है, बीबी बाइबल में लिखा है, इंग्लिश बाइबल में, द स्पिरिट इज द लाइफ गिवर। इट इज द स्पिरिट करके लिखा है ना, दैट क्विकनेथ द फ्लश प्रॉफिट नथिंग। बीबी बाइबल में लिखा, द स्पिरिट इज द लाइफ गिवर। हालेलुया। आत्मा कौन है? बोले आत्मा जीवन को देता है, जिंदगी को देता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से क्या निकलेगा? जीवन की, बोले जीवन की नदियां निकलेगा। आवाज से बोले जीवन की नदियां निकलेगा। तुम लाइफ गिवर है, तुम जीवन देने वाले लोग है। आमीन। जहां बीमारी हाथ रखो, जीवन आ जाएगा। आमीन। जिसकी धंधा मर रहा है, जाओ यीशु के नाम से दुआ करो, धंधा खड़ा हो जाएगा, और चर्च में खड़ा कर दो उनको। हालेलुया। आमीन। जो लोग बोल रहे हैं पास्टर मैं मर रहा हूं, मेरा कुछ तो हो रहा है, मैं मर रहा हूं, खलावा ठीक हो जाएगा। हालेलुया। पास्टर मेरे हाथ काल आजकल ऐसा ऐसा हो रहा है, पावर इन द नेम ऑफ पावर। बोलो मैं लाइफ गिवर हूं, बोलो मैं जीवन देने वाला लोग हूं। आमीन। मेरे परमेश्वर प्रिय, द स्पिरिट इज द लाइफ गिवर, द फ्लश इज ऑफ नो वैल्यू, द वर्ड्स व्हिच आई हैव सेड टू यू आर स्पिरिट एंड दे आर लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। बोले वचन, बोले वचन जीवन और आत्मा है। द मोमेंट तुम जब बाइबल को पढ़ते हो, द मोमेंट तुम वचन को जब सुनते हो, द मोमेंट जब वचन को तुम ग्रहण करते हो, उस समय तुम्हारे अंदर जीवन शुरुआत होता है। हालेलुया। जब सुबह उठकर तुम बाइबल का सब खोलते हो, उसी समय तुम्हारे बाइबल के वचन तुम पढ़ते हो, वो तुम्हारे अंदर लाइफ को लेकर आता है। सोच लीजिए, आप सोचेंगे कैसा तकलीफ, बहुत बड़ा समस्या आ चुका है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? सवाल मत पूछना, बाइबल खोल के पढ़ना, वो सारा सवाल का जवाब बाइबल उसी दिन तुम्हें दे देगा, उसी दिन तुम्हें दे देगा। हालेलुया। समझ रहे तुम लोग? जिस समय तुम्हें बहुत परेशान है कि मैं क्या डिसीजन लूं, टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना, बी कूल, शांत में रहना, दो आइसक्रीम खा लेना। हालेलुया। मंग तो सुबह उठते आइसक्रीम तो नहीं खा सकते, अच्छा छाया पी लेना, फिर जाके बैठना और वचन खोल के पढ़ना, तुम्हारा सारा सवाल का जवाब, तुम जो दो दिन से सिर फोड़ रहे थे ना, वचन तुम्हें जवाब दे देगा, क्योंकि वचन में जीवन है और आत्मा है। बोले जीवन है वो आत्मा। इसमें लिखा है, द स्पिरिट इज द लाइफ गिवर। इस इंग्लिश बाइबल में लिखा है, इट इज द स्पिरिट, इट इज द स्पिरिट। आमेन। स्पिरिट क्या करता है? लाइफ को देता है। आवाज से बोले स्पिरिट लाइफ को देता है। आवाज से बोले स्पिरिट लाइफ को देता है। या लिखा है, इट इज द स्पिरिट दैट कॉसेस यू टू लाइव, कॉसेस टू लिव। आत्मा जी तुम्हें जीने का शक्ति देता है। बोले मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। आवाज से बोले मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा तुम्हें लाइफ देता है। प्रेज गॉड। क्योंकि उसके अंदर भरपूर जीवन है। पवित्र आत्मा कौन है? वही जीसस है। आमीन। आमीन। बोले मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। सो पवित्र आत्मा वो तुम्हें क्या करता है? जीवन देता है। द बॉडी अलोन इज वर्थ नथिंग, द वर्ड्स दैट आई हैव स्पीकन टू यू आर स्पिरिट, दे कॉसेस यू टू लिव। वो उत्पन्न करती है, तुम्हारे अंदर जीवन को पैदा करता है, तुम्हारे अंदर जिंदगी को पैदा करता है। प्रेज द लॉर्ड। सोच लीजिए, भी कैंसर में कोई मर रहा है, मतलब कैंसर में, उसका मतलब क्या? वो मर रहा है। आमीन।
जब तुम हाथ रख के दुआ करें, तुम्हारे अंदर की जो लाइफ है उसके अंदर जाता है, और उस लाइफ जो कैंसर जो उसको खा रहा है, उसकी जिंदगी को खा रहा है, उसको खत्म कर देता है और वो जीने लगता है, क्योंकि तुम लाइफ गिवर है। इस दुनिया में कैंसर की कोई इलाज नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास इलाज है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में वो अनॉइंटिंग है। द मोमेंट जब तुम हाथ रखते हो वो चला जाता है, प्रेज गॉड, क्योंकि तुम जीवन देने वाले लोग हैं। बोलो, मैं जीवन देने वाला हूं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा किसके अंदर है? तुम्हारे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन में लिखा है, मेरे लोग इसलिए नाश हो रहे कि मेरे वचन को नहीं समझते। अगर जो वचन को समझ गया वो हमेशा किसी बातों में स्ट्रगलिंग नहीं, उसके चारों तरफ में जो भी स्ट्रगलिंग करता है, जो भी संघर्ष में जी रहा है, वो सबको हेल्प करेगा, वो सबको हेल्प करेगा। हालेलुया। आज कितने प्रभु के बच्चे वो खुद को ही हेल्प नहीं कर पा रहे, खुद को ही मदद नहीं कर पा रहे, तो दूसरों क्या मदद करेगा? तुम वैसा नहीं हो। ये चर्च में जो आता है वो खुद को भी करेगा और दूसरों लाखों लोगों को भी करेगा। प्रभु को धन्यवाद दीजिए ताली बजाकर। हालेलुया। तुम उन हजारों की जैसा जीवन मत बिताना जो दुनिया में ऑलरेडी लोग दुखों में जीवन बिता रहे, शोकित में जीवन बिता रहे, तकलीफ में जीवन बिता रहे। उनकी जैसा तुम तकलीफ जीवन बिताने के लिए यीशु ने तुम्हें बुलाया नहीं। यीशु ने तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम्हें हायर लाइफ जीवन के लिए बिताया है, हायर लाइफ जीवन बिताने के लिए, तुम एक ऊंचे स्तर का जीवन बिताने के लिए यीशु ने तुम्हें और मुझे बुलाया। प्राइज द लॉर्ड, प्राइज द लॉर्ड। इसलिए इसमें लिखा है कि आमेन, इट्स द स्पिरिट दैट कॉजेस यू टू लिव। स्पिरिट क्या करता है? तुम्हें जीवन देता है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। और लिखा है, इट इज द स्पिरिट हु गिव्स लाइफ। हा 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 हा, हालेलुया। आत्मा जी जीवन को देता है। बोले, आत्मा जी जीवन को देता है। हालेलुया। आप जिधर जाएंगे लाइफ आएगा। इसलिए जल्दी किसी घर पे मत जाना, सावधान जाना, क्योंकि तुम जाएंगे तो जीवन आ जाएगा। आमेन। इसलिए सबके घर में मत जाना। चलो, तुम्हें इज्जत करते उनके घर में जाके बस खड़ा होके आ जाना, वो बोलेंगे तुम जिस दिन आए उसी दिन से मेरे घर में क्या हुआ मालूम नहीं, बहुत आशीष आने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताली बजा प्रभु महिमा करें। आमेन, हालेलुया। इट इज द स्पिरिट हु गिव्स लाइफ, द फ्लैश अकम्प्लिशेस नथिंग। शरीर से कुछ नहीं होने वाली है। बोले, शरीर से कुछ नहीं होगा। कुछ होने वाला है शरीर से? कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। खाली फुकट की शरीर के पीछे मत भागना। आज इतने लोग आईने के सामने, दरबीन के सामने, ऊपर नीचे नीचे नहीं, ऊपर उधर इधर देखते हुए एक पांच घंटे बिता देते। मैं बोलता हूँ, पांच घंटे प्रभु के सामने घुटना टेके प्रेयर करना, तेरा लाइफ बदल जाएगा। तुम दूसरों को बदलने वाला बनेंगे। हालेलुया, आवाज से बोले हालेलुया। सो इसलिए बाइबल कह रहा है, द फ्लैश अकम्प्लिशेस नथिंग। शरीर किसी को, मतलब किस बातों को पूरा नहीं कर सकता, किसी को अकम्प्लिश नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर को कैपेसिटी नहीं है, लेकिन आत्मा को कैपेसिटी है। आमेन। तुम कौन हो? तुम शरीर हो क्या आत्मा हो? बोले, मैं आत्मा हूं। ये क्या है? एक मिट्टी का पुतला है, इसके अंदर तुम जी रहे हो। आमेन। इसको रख के कोई फायदा नहीं। इसके अंदर एक बैठा है, उसके अंदर दो लोग बैठे हैं, एक जीसस का आत्मा और तुम्हारी आत्मा है। हालेलुया, आवाज से बोले हालेलुया। द वर्ड दैट आई एम स्पीकिंग टू यू आर स्पिरिट एंड लाइफ। जिंदगी में हमेशा याद रखना, कभी भी नेगेटिव की बातों को बात मत करना। मैं आज सुबह बात किया, प्रचार किया, हमें वो बहुत बड़ी प्रचार है। मैं हो सके तो आपसे जरूर मैं शेयर करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर प्रिय जनों, कभी अपने मुंह से नेगेटिविटी बात मत करना। हमें हमेशा पॉजिटिव बात करना। क्या बात करना? हमेशा पॉजिटिव बात करो, क्योंकि नेगेटिविटी तुम्हारे लाइफ को मार डालेगा। पॉजिटिव, परमेश्वर के वचन को मुंह में लेकर आओ और बात करते रहो। हालेलुया, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। आमेन। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। हालेलुया, आमेन। सुबह उठकर ऐसा मत बोलना, हो आज कैसा सारा तकलीफ को मैं सामना करूंगा, ये मत सोचना। सुबह उठना, रिफ्रेश करो अपने आप को, ताजा बन करो और बैठो प्रभु के सामने। प्रभु हर तकलीफ को मिनटों में खत्म कर देगा, मिनटों में खत्म कर देगा। हालेलुया। शरीर से अगर तुम सामना करेंगे मिनटों नहीं,
सालों बीत जाएंगे नहीं होगा, लेकिन तुम घुटने पर आकर दुआ करके जाओ, जो पहाड़ जैसा तकलीफ है वो मिनटों में खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे शरीर की ताकत से नहीं, अंदर के ताकत से, पवित्र आत्मा की ताकत से वो तुम्हें हर विषय में जय की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। इसलिए इसमें लिखा है, द वर्ड दैट आई हैव स्पोकन टू यू आर स्पिरिट एंड लाइफ। द स्पिरिट इज द वन हु गिव्स लाइफ, ह्यूमन नेचर इज ऑफ नो हेल्प। देखो इधर कितना अच्छा लिखा, देखो, ह्यूमन नेचर इज ऑफ नो हेल्प, तुम्हारा शरीर तुम्हें कोई मदद नहीं करेगा। बोला मेरा शरीर मेरे मदद नहीं करेगा, आवाज से बोलिए, तुम्हारा शरीर तुम्हें क्या मदद करने वाला है, बोले क्या मदद करने वाला है। नहीं पास्टर हम लोग बहुत कमाते हैं ना, तुम कमाने की तुम्हें शक्ति तुम्हारे शरीर से नहीं हुआ है तुम्हें। मालूम है आपको कितने लोग दो हाथ दो पैर के लोग अचानक बिस्तर में गिर गए, अच्छा कमाने वाले, शरीर से कुछ नहीं होती है, शरीर को चलाने वाला एक अंदर बैठा है, वो तुम्हारे शरीर को शक्ति दिया तो तुम कितना भी काम कर सकते हो, लाखों के करोड़ों भी कमा सकते हो, क्योंकि शरीर को चलाने वाला अंदर बैठे है। अगर तुम शरीर के शक्ति में चलेंगे वो तुझे हर कोई विषय में हेल्प नहीं करेगा, कोई विषय में तेरा शरीर तुझे मदद नहीं कर सकता, मदद करने वाला अंदर बैठा है। बोले मदद करने वाला अंदर बैठा है, आवाज से बोले मदद करने वाले अंदर बैठा है। इसलिए बोला ह्यूमन नेचुरल, मतलब तुम्हारे शरीर नो हेल्प, तुम्हें हेल्प नहीं कर सकती है, तुम्हें हेल्प नहीं कर सकती है। मैंने कितने लोगों को देखा है, कितने लोगों को देखा है, एक जमाने में अच्छा था, अचानक बिस्तर में पड़े हैं, देखिएगा तो उनके शरीर को देख नहीं पाते, उनके शरीर को अपन देख नहीं पाते, एक समय उनका शरीर क्या था, अभी उनका शरीर क्या हो गए, क्योंकि शरीर किसी को मदद नहीं करता है, शरीर को चलाने वाला पवित्र आत्मा तुम्हें हर विषय में तुम्हें मदद कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर प्रियजनों, इसमें लिखा है कि इट इज द स्पिरिट दैट क्विकनेथ द फ्लश। आत्मा क्या करता है, जिलाता है। बोले आत्मा जिलाता है। आत्मा क्या करता है, आत्मा क्या करता है, जीवन देता है। बोले आत्मा जीवन देता है, आवाज से बोले आत्मा जीवन देता है। उस वचन को वापिस किंग जेम्स वर्सन कोई पढ़े आवाज से, इंग्लिश में या हिंदी में वापिस पढ़िए, सेवा दिया है 63 ना। हाँ, आत्मा जीवन देता है। बोले आत्मा जीवन देता है, हाथ उठाकर बोले आत्मा जीवन देता है। तो इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश केजीवी में लिखा है, आत्मा तुम्हें जिलाता है। क्या करता है, जिलाता है। इसका मतलब क्या है, इसमें लिखा है जिलाता मतलब टू प्रोड्यूस अलाइव। हालेलुया। वो तुम्हें जिंदगी में खड़ा रहने का शक्ति देता है। आज मालूम है कितने लोग थोड़े उम्र में मर जाते हैं, पैसे हैं, धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन कुछ समस्या में मर जाते हैं, कुछ हार्ट अटैक में मर जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें बहुत बूढ़े तक लेकर जाएगा। जिस दिन बोलेगा बेटा बस हुआ क्या, फिर भी नहीं और भी कुछ 20 मतलब 80 उम्र में पूछ रहा पवित्र आत्मा, और जीना है क्या, जीना और 20 साल चले जा। हालेलुया। ओ लका सलारा। हालेलुया। आमेन। बोले मरण चॉइस है, आवाज से बोले हमारा डेथ चॉइस है भाई। तो मालूम है तुम चाहे तो मर सकते हो, नहीं तो नहीं मर सकते हो। 100 उम्र पवित्र आत्मा से बोलते हैं, और 100 उम्र होने के बाद पूछता और जीना है, और भी 20 साल, 120 साल जी ले जा। लेट्स गो। मसीह लोगों के लिए मरण चॉइस होती है। वे लोग मरण से डरते नहीं है, मृत्यु से डरते नहीं है, वे लोग मौत से डरते नहीं, मौत उससे डरता है। प्रेज द लॉर्ड। बोले मौत मुझसे डरती है। हालेलुया। बोले आत्मा तो जीवनदायक है। सो आत्मा प्रोड्यूस करता है जिंदगी बिताने के लिए, स्टेबल जीवन बिताने के लिए, स्टेबल स्थिर जीवन बिताने के लिए, अटल जीवन बिताने के लिए, दृढ़ जीवन बिताने के लिए। इसलिए वचन में लिखा हजार लोग विपत्ति से मरेंगे, बीमारी से मरेंगे, या 10,000 लोग मरेंगे, लेकिन तू खाली खड़ा रहकर हंसते रहेगा। Amen। यहां लोग मरेंगे 10,000, यहां लोग 1,000 लोग मरेंगे, लेकिन तुझे वो छुएगा नहीं, क्योंकि तू कौन है,
आप कौन है, आप कौन है, साउंड प्रूफ है, आप कौन है, आप लोग को कोई सिकनेस छू नहीं सकता है, कोई डिजीज छू नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हें प्रभु ने ऐसा प्रोटेक्शन करके रखा है। आमेन। बोलो मुझे हार्ट प्रॉब्लम नहीं आएगा, बोले मुझे किडनी फेल नहीं होगा, बोले मुझे सिर दर्द नहीं आएगा। हालेलुया। आज लोग कभी कभी जिंदगी में हमेशा पास्टर ये दर्द वो दर्द पेन 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 तुम्हें पेन नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे अंदर आत्मा जी बैठा है। कौन बैठा है मेरे अंदर? आवाज से बोले पवित्र आत्मा मेरे अंदर बैठा है। कभी भी अपने जिंदगी में हार मत मानना, क्योंकि तुम्हें हार मानने के लिए यीशु ने नहीं बुलाया, तुम्हें विक्टोरियस लाइफ जीने के लिए तुम्हें बुलाया है। हमें वी आर मोर देन कॉन्करर। हालेलुया। वी आर मोर देन कॉन्करर मतलब हम जय पाने के लिए बुलाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी जिंदगी में ऐसे माहौल ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तुरंत हम नेगेटिविटी कन्फेस करते हैं। मैं बोलता हूं डॉक्टर हजारों रिपोर्ट देने दे, उसको तुम ऐसा रिपोर्ट देना है, यीशु के नाम से मैं कैंसल करता रिपोर्ट को, मुझे रिपोर्ट ऐसा नहीं है, मैं अच्छा हूं। बोलो मैं अच्छा हूं। हाथ उठाकर बोले मैं अच्छा हूं। तुम लोग जो टैली में उठा के घूमते हैं ना, इसको पहले साइड में डालना और बोलना कि मैं अच्छा हूं। आज लोग क्या बोले मुझे समझता नहीं, वो क्या डॉक्टर ने मुंडी डाल के देखा है क्या तेरे हार्ट का ऊपर नीचे तड़क रहा है क्या, क्या डॉक्टर ने देखा है? मतलब वो सब टेस्ट करने से बोलता है, उसका टेस्ट से भी हमारा बॉडी को संभालने वाला आत्मा जी अंदर बैठा है। हालेलुया। बोले पवित्र आत्मा मेरे अंदर बैठा है। तुम डॉक्टर की रिपोर्ट में अगर भरोसा करेंगे, अगर मरना चाहते तो मरो, लेकिन मरना नहीं चाहते हो तो जीसस की रिपोर्ट में विश्वास करो। जीसस का रिपोर्ट हमेशा यही कहता है यू आर ओके। बोले यू आर ओके। वचन में लिखा है उसकी घोड़े मार खाने से होने वाला है कि होंगे हो गया है। बोले मैं हो गया हूं। बोले हो गया हूं। किसी को बीमारी है तो उनके जा उनके सामने ऐसा बड़ा दुखी के दुख के समान दिखाओ मत उनके सामने, उनको बल्कि हाथ रखो और बोलो भाग बीमारी यीशु के नाम से। आज कभी कभी लोग क्या करते हैं मालूम है, उनके सामने जाके डॉक्टर उनको बताते नहीं, रिपोर्ट 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 ऐसा हो गया। आमेन। मैं बोलता हूं मरीजों को मरने वाले डॉक्टर ने बोला कि दो दिन में मरेगा, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा जीवन दिया, उस पर हाथ रखो, वो दो दिन नहीं बल्कि वो 100 उम्र तक जी के फिर मरेंगे। ताली बजा रहे ऋषि को धन्यवाद दीजिए, जोर से ताली बजाओ, धन्यवाद दीजिए। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। एक बार दो कैंसर, मतलब एक कैंसर था, एक को कैंसर नहीं था। कैंसर वाला जिस जो व्यक्ति था, वो साइंटिस्ट ने एक निर्णय लिया कि जिनके पास कैंसर है उनको क्या करना है, उनको क्या करना है, कैंसर नहीं करके रिपोर्ट देना है, और जिनको कैंसर है, जिनको कैंसर है उसको कैंसर नहीं करके देना, और जिनको है उसको नहीं देना, जिनको कैंसर नहीं है उनको कैंसर करके देना है। सो डॉक्टर ने ऐसे निर्णय लिया, साइंटिस्ट भी निर्णय लिया, और जिनको कैंसर था उसको रिपोर्ट दिया कि कैंसर नहीं है, जिनको कैंसर नहीं था उसको रिपोर्ट ऐसा दिया कि कैंसर। और ये गया भाई साहब घर को, वो बोला कि हो मुझे कैंसर नहीं है, पूरे दुनिया को सुना डाला हमें। लेकिन ये व्यक्ति घर पे गया, पत्नी से बोला मैं आउट होने वाला हूँ, सब तैयार करेंगे, सबको जाके बोला मैं कैंसर 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 कैंसर। आखिर में क्या हुआ मालूम है? जिनके पास कैंसर सच में था उसको कैंसर नहीं है, जिनके पास कैंसर नहीं था वो बोलते बोलते उसके अंदर कैंसर आ गया, और ये मर गया, वो भाई सब जिंदा है। तब डॉक्टर और साइंटिस्ट बोला, पेपर में आया था, तब डॉक्टर और साइंटिस्ट बोला इंसान के शब्दों में ताकत है, इंसान के कबूल में ताकत है। हालेलुया। अगर संसार ऐसे सबूत दिला रहे तो बाइबल 2000 साल क्या, कई हजारों साल के पहले ही सबूत दिला दिया कि तुम्हारे शब्दों में ताकत है। हालेलुया। आमेन। मैं तुमसे कहना चाहता हूं
कि आत्मा जी तुम्हारे अंदर है। हालेलुया, हमेशा यही कबूल करो कि मुझे कोई बीमारी नहीं होगा। हालेलुया, हमेशा यही कबूल करो कि मैं भिखारी नहीं हूं, मैं धनवान हूं। हालेलुया, हमेशा यही कबूल करो कि मैं किससे लेऊंगा नहीं, मैं दूने वाला, मैं देने वाला हूं। वचन में लिखा है तुम लेंगे नहीं तुम देंगे, बोले मैं देने वाला हूं। वचन में लिखा है कि तुम देश को देंगे, तुम एक दुनिया को, देश को ही देने वाले, तुम अगल बगल के लिए पूरा दुनिया को तुम देंगे, क्योंकि गॉड तुम्हें ऐसा ब्लेसिंग करके रखा है। हालेलुया, आवाज से बोले हालेलुया। अगर तुम्हारे घर में कोई मरीज है, बीमारी है, तो मैं तुमसे कहता हूं कि हाथ बढ़ाइए, दुआ कीजिए, उस मरीज को प्रभु जरूर खड़ा करेगा। आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर के कुछ लाभ नहीं है। तुम्हारे शरीर की जो कैलकुलेट चलता है ना, ये सारे कैलकुलेट कुछ नहीं करेगा। तुम्हारे शरीर तुम्हारे जिंदगी को बचा नहीं सकता, तो तुम्हारे अंदर जो पवित्र आत्मा जी बैठा है वो तुम्हारे जिंदगी को आशीष कर सकता है। हालेलुया, परमेश्वर प्रियजनों, इस मिट्टी भरा हुआ शरीर के अंदर तुम बैठे हो, और जिस दिन तुम निकल जाएंगे तो तुम्हारे अंदर बीमारी नहीं है, शरीर में बीमारी है। इसलिए तुम इस शरीर को ठीक कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारी आत्मा भी है और जीसस का आत्मा तुम्हारे साथ है। इसलिए तुम जिंदगी में हमेशा कामयाब होते ही रहेंगे। हालेलुया। सो वचन में लिखा आत्मा जीवनदायक मतलब क्या है? टू प्रोड्यूस अलाइव मतलब तुम जीवन से रहने के लिए मदद करता है। बियर लिविंग यंग, ये बियर लिविंग यंग, तुम जवान जवानी होकर ही जिएंगे। मूसा को आमेन, मूसा बोल रहा है कि मैं बुढ़ा हो गया, फिर भी जवान की उम्र है भैया। हालेलुया, जवानी की उम्र है। हे संतरा सदी रखा लाबा, तुम जवान रहेंगे अगर तुम इस वचन पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, तुम जवानी रहेंगे। मेरे बहन आप बोलते पास्टर जी ऐसे कैसे बात है, क्योंकि बाइबल कहता है कि आत्मा जी तुम्हें जीवन देता है। आत्मा क्या करता है? तुम जवान हो, तुम जवानी हो। हालेलुया, हालेलुया। आप बोलते पास्टर ये कैसी है, क्योंकि बाइबल कहता है कि तुम जवान और जवानी हो। आमेन, क्योंकि आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, ईश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। तुम्हारे अंदर कौन कौन वास करता है? तुम्हारे अंदर कौन वास करता है? पवित्र आत्मा। आपको मालूम है लोग 60-50 उम्र में बैसाखी में लकड़ी लेकर चलते हैं, लेकिन तुम नहीं चलेंगे, तुम 100 उम्र में भी जवान रहेंगे, बिना लकड़ी से, बिना भैसाखी से। हालेलुया, हालेलुया। हमें आज लोग अलग अलग टैबलेट खाते हैं कि ताकि जवान बनाने के, लेकिन टैबलेट कुछ काम नहीं करता, बल्कि बॉडी में सिकुड़ना होती है, झुर्री पकड़ जाती है। लेकिन यीशु का टैबलेट खाते रहना, वचन को खाते रहना, तुम जवान हो, तुम जवान होंगे। हालेलुया, वचन में लिखा है जो ईश्वर की इंतजार करते हैं, जो ईश्वर की बाट जोते हैं, जो ईश्वर की प्रतीक्षा करते हैं, वे नया बल प्राप्त करेंगे और उगाव के समान उड़ान करेंगे और उड़ते ही जाएंगे। हालेलुया, बोले मैं प्रभु की इंतजार कर रहा हूं। आमेन, बोले प्रभु मेरे अंदर है, बोले पवित्र आत्मा जी मेरे अंदर है। यह सागर वाला यू, आमेन, पवित्र आत्मा तुम्हें यंग बनाता है। क्या बनाता है? मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा, फिर मैं क्यों झूठ गया? हालेलुया, क्योंकि बाइबल कहता है यार यंग। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मोटे से पतला होना चाहते हो, प्रार्थना करो तुम जल्दी पतले हो जाएंगे। अगर पतले से ज्यादा होना चाहते हो, प्रार्थना करें तो मोटे बन जाएंगे। अरे भाई ट्रीटमेंट मत लेना, फोकट में परमेश्वर तुम्हें देता, खाए को जाकर ट्रीटमेंट कतार में खड़े हो। hey, हालेलुया। आपका जिंदगी आपके हाथ में है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा जी तुम्हारे अंदर बैठा है। आमेन, तुम जैसा अपने शरीर को बनाना चाहता वैसा बना डाल दो। हालेलुया, अचानक बोलते मैं पतला होना चाहता, पतला हो जाओ, नो प्रॉब्लम। अचानक बोलते जड़ा होना, हो जा, बोलो अपने आप को मैं जड़ा होने वाला, जड़ा होने, जड़ा हो जाएगा तू। ए हालेलुया, प्रेज गॉड। सो आत्मा तुम्हें जीवन देता है, बोले आत्मा जीवन देता है। बी अ लिविंग यंग, तुम कैसे जीने की शक्ति देता है? वचन में लिखा है प्लस प्रॉफिट नथिंग, शरीर क्या नहीं है? कोई फायदा नहीं, बोले शरीर कोई फायदा नहीं है। हालेलुया, आमेन,
क्योंकि आज लोग शरीर के लिए रात और दिन इतनी मेहनत करते हैं, इतनी इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन शरीर अचानक छट करके हार्ट अटैक आया, खत्म खत्म, चल घर चला गया। आमीन। शरीर को संभालने वाला एक है, उसका नाम है ईश्वर की आत्मा है। हालेलुया। और वो तुम्हारे अंदर जिस दिन आ चुका है, उस दिन से तुम्हें कोई फेलियर नहीं आएंगे, बल्कि तुम सक्सेस होते जाएंगे। हालेलुया। तुम्हें सक्सेस की जरूरत है तो एक काम कीजिए, सुबह उठकर कबूल कीजिए कि मेरा लाइफ में मैं फेलियर नहीं होगा। बोले मैं फेलियर नहीं होगा। आवाज से बोले मैं फेलियर नहीं होगा। फेलियर किसके लिए? हालेलुया। वचन में लिखा प्रभु की बच्चों को कभी फेलियर नहीं होता है, प्रभु की बच्चों को हमेशा सक्सेस होती है। आमेन। सो बी लिविंग यंग, टू कास्ट टू लीव, मेक अलाइव, गिव लाइफ। क्या क्या लिखा देखो, टू कास्ट टू लीव, तुम्हें जीने का तुम्हें वो ताकत देता है, मेक अलाइव, तुम्हें उत्पन्न करती है जीने के लिए, गिव लाइफ, वो तुम्हें जीवन को हमें तुम्हारे अंदर डालते रहता है। आमेन। बाय स्पिरिचुअल पावर टू अरोज इन विगरोट, टू रेस्टोर टू लाइफ, तुमने पिछले दिनों में जो तूने खोया है उसको परमेश्वर रेस्टोर करता है, रेस्टोर होने वाला है। रेस्टोर का मतलब क्या है? तूने जो जिंदगी में कुछ खोया है उसको वापिस प्रभु देने वाला है, परमेश्वर देने वाला तुम्हारी लाइफ में। आज विश्वास कीजिए, जो तुम बीती हुए सालों में, बीती हुई दिनों में, इवन तुमने किस किस बातों से तुम्हें लज्जा आए, लोग ने तुम्हें जिन जिन बातों में शर्मिंदा किया है, जिन जिन बातों में तुम्हें दुख और क्लेश दिया, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, उनके सामने परमेश्वर तुम्हें रेस्टोर कर रहा है, उनके सामने तुम्हें वो सारे चीजों को वापसी कर रहा है, और परमेश्वर उन्हीं लोगों के बीच में तुम्हें खड़ा करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे जिंदगी में जितने तुम्हारे हाथों से निकल गया वो वापिस आ रहा है, यीशु के नाम से मैं डिक्लेरेशन करता हूं। आमेन। तुम्हारे हाथों से जिन बातों खो चुके हैं, तुम्हारे हाथों से तुमने जो गवा दिया है, तुम्हारे हाथों से जो चला गया, मैं आज यीशु के नाम से स्थान में खड़ा रहकर मैं हुक्म देता हूं कि वो तुम्हारे पास आ रहा है। हालेलुया। हो रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। उससे प्राप्त करें। प्रेज गॉड। मैं बोलता हूं कि यीशु के नाम से कि तुम्हारे जिंदगी में उन सारे चीज, तेरे परिवार में जो बात तेरे परिवार में खो दिया है, जो इज्जत तूने खो दिया है, जो तूने नाम खो दिया है, तू सोचता है कि मेरा जिंदगी ऐसे ही दुखों में गुजर कर मैं खत्म करूंगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा कहता कि इस रात का समय वो तुझे लौटा कर देने वाला है। संतरा Hallelujah. Catch it in the name of Jesus. Hallelujah. इस रात के समय तुम्हारे घर में दस्तक देने वाली है। इस रात के समय तेरा परिवार को परमेश्वर सारे चीजों को वापसी कर रहा है, सारे बातों को जो सैतान ने तुझे लूटा है। वचन में लिखा है कि सैतान हत्या करने के, नाश करने के, बर्बाद करने के तुम्हारे परिवार में आता, लेकिन यीशु ने इसीलिए आया कि जो तूने खोया है उससे परिपूर्ण जीवन तुझे वापिस देने के लिए आया है। क्या तुमने पैसे को खोया है? क्या क्या ने तूने जिन बातों को, जिन आशीर्वाद को खोया है? क्या क्या जिंदगी में तूने जो जो खोया है उससे आज मैं डिक्लेरेशन करता हूं, आज मैं स्थान में खड़ा रहकर बोलता हूं, वो तेरा फैमिली की ओर आ रही है। हालेलुया। वो तुम्हारे परिवार की ओर आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। एक नहीं, कई हजारों तेरे पीछे आ रहा है। जितने महीने, जितने साल तूने जो खोया है, उसी महीने के अनुसार, उसी साल के अनुसार परमेश्वर दो गुना, तीन गुना, चार गुना लौटा कर देने वाला है। आमीन। बाइबल में लिखा है, ऐसे लिखा है, बाइबल में ऐसे लिखा, पवित्र ग्रंथ में, जो व्यक्ति जो खोया है उसको दो गुना वापस लौटा के देना है। आज तुमने अपने लाइफ में जो खोए है, मैं आज, क्योंकि दो दुनिया है, ये दुनिया जो है शरीर का दुनिया है, इस दुनिया में शरीर को लिमिट होती है, उसके ऊपर वो कुछ नहीं कर सकता। शरीर का लिमिट क्या है? सुबह उठो, दांत घसो, नहाओ, जाओ और काम करो, जो भी पढ़ाई करो, बच्चा जन्मा, बच्चा को पालो पोषो, फिर उसको पढ़ाई दो, फिर उसके बाद उसको शादी विधि करो, जो ये दुनिया का ये है, बस
ये दुनिया लिमिट है, इस लिमिट के ऊपर वो पार नहीं कर सकते। हर एक हर जो जब जन्म होने के बाद बस स्कूल में जाते हैं, एंजॉय करते थोड़ा दिन, फिर कॉलेज, फिर उसके बाद शादी विधि जो भी है, फिर उसके बाद परिवार, फिर उसके बाद लफड़ा खिफड़ा जो भी है। लोग छोटे उम्र में मर जाते, कुछ लोग शराब पी के वो नशे विशे करके मर जाते, लेकिन आमेन, ये जिंदगी जो है लिमिट जिंदगी है। लेकिन जब कोई यीशु मसीह को समझने लगता है तो उसको वो दुनिया का सपोर्ट मिलती है, और वो दुनिया अनलिमिट है। ओ दुनिया अनलिमिट है, उसको सीमा नहीं है। हाथ उठाकर बोले उसको सीमा नहीं है, बोले आवाज से बोले अनलिमिट है। हालेलुया, आमेन। और वो दुनिया को ऑपरेट हम करते हैं यीशु के नाम से, हालेलुया, क्योंकि वो दुनिया का चाबी वो हमारे हाथ में जीसस ने दिया है। जब तुम जीसस का नाम लेते हो वो दुनिया सुनती है, वो दुनिया सब्जेक्ट हो जाती है, उस दुनिया आज्ञा पालन करती है, उस दुनिया अधीन हो जाती है और बोलती है क्या बात है, मेरा ये होना चाहिए, हो जाएगा। प्रेज गॉड, बोले हम वो दुनिया के ऑपरेट करते हैं, बोले वो हम आत्मा की दुनिया को ऑपरेट करते हैं। आवाज से बोले हम आत्मा की दुनिया को ऑपरेट करते हैं। इसलिए हम बीमारियों को यीशु के नाम से दुआ करते हैं, बीमारी ठीक होती है। इसलिए हम शैतान को हुक्म देते हैं, शैतान भाग जाता है। इसलिए हम बोलते हैं शैतान भाग, शैतान निकल जाता। इवन बाबा भूवा ये इन लोग निकाल नहीं पा रहे, इन लोग मुर्गी बिर्गी खाट रहे फिर भी कुछ नहीं हो रहे, लेकिन हम यीशु के नाम से हुक्म देते भाग जाता। क्यों? क्योंकि हम वो दुनिया को इस दुनिया में लेकर आने वाले लोग हैं और वो दुनिया हमारे अंदर निवास करती है। प्रेज द लॉर्ड, ताली बजाओ यीशु को, धन्यवाद दीजिए। Amen. मेरे परमेश्वर प्रियजनों, चर्च में से कितने लोग आते हैं आज, उनकी परिवार या आने के पहले काफी तकलीफ में आए थे, काफी प्रॉब्लम इस जगह पर आया था, काफी तकलीफ लेकर इस जगह में वे आते थे, लेकिन आने के दो हफ्ते के अंदर उनका परिवार में चेंज हो गया, उनके परिवार में बदलाव आ गया। क्योंकि हम नहीं कर रहे, हमारे अंदर एक बेटा है, हमारे ऊपर एक राज कर रहा है, हमारे अंदर एक दुनिया राज कर रही है, वो दुनिया आध्यात्मिक दुनिया है। और जब हम बोलते हैं शैतान गिरना है, बीमारी ठीक होना है, जिंदगी में रेस्टोरेशन होना, जो वो खोया है उससे वापस प्रभु लौटा कर देता, उनके ऊपर जो शैतान राज करता उस शैतान को प्रभु खत्म कर देता और वो घर से खाली करके भाग जाता, क्योंकि वो घर में प्रभु का शांति आ जाती है। हालेलुया, वचन में लिखा संसार देने वाली शांति मैं तुम्हें नहीं दे रहा, मैं मेरी शांति तुम्हें दे रहा। हालेलुया, संसार में पीने से शांति होती है लेकिन लीवर उड़ जाती है। हमें थोड़ा समय वो भी पीने से परिवार को, फिर पत्नी को मार मार के फिर मार डालते हैं, बच्चों को मार मार के उनको भी मार डालते हैं। ओके, परमेश्वर प्रियजनों, संसार का शांति पीने से होती है, संसार का शांति थोड़ा पिक्चर देखने से होती है, लेकिन ये तुम्हारा लाइफ को खत्म कर देता। लेकिन यीशु का शांति पीने से नहीं, यीशु का शांति यीशु खुद तेरे अंदर आ जाता, क्योंकि वचन में लिखा तेरा दिल और तेरा शरीर मेरा मंदिर है, मैं तेरे अंदर निवास कर। हालेलुया, बोले यीशु मेरे अंदर है। आवाज से बोले यीशु मेरे अंदर है। एक समय तुम तकलीफ के लिए ढूंढ रहे थे, तकलीफ में तकलीफ समाधान, तकलीफ को समाधान कौन करेगा, कौन करेगा, तुम दुनिया भर घूम रहे थे। लेकिन अभी जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो तकलीफ की समाधान की ढूंढ रहे नहीं, बल्कि दूसरों की तकलीफ को वो समाधान करने वाला बन गया है। एक समय था तुम तकलीफ से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन अभी तुम रास्ता नहीं ढूंढ रहे, क्योंकि तुम दूसरों को मदद करने वाले बन गए, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है। ओह हालेलुया, बोले यीशु मसीह मेरे अंदर है। आमेन, परमेश्वर प्लीज टू रिस्टोर टू लाइफ, तुम्हारी जितनी खोई वैसे वापस दे दे, टू गिव इंक्रीज ऑफ लाइफ, टू इंक्रीज लाइफ, जीवन बढ़ते जाता है, जीवन बढ़ते जाता है। बोले मेरे अंदर जीवन बढ़ती जाती है, बोले मेरे अंदर जीवन उन्नति होते जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे अंदर जीवन, भरपूर जीवन, वचन में लिखा जीवन की नदी तेरे से बहती है, तुम्हारे अंदर बढ़ती जाती है। जैसे तुम शरीर में बढ़ते हो वैसे तुम्हारे अंदरूनी जीवन बढ़ती है। जैसे तुम शरीर में बढ़ते जाते खाते खाते, वैसे ही वचन को जितना खाते हो उतने तुम आगे अंदर बढ़ेंगे। बोले वचन को जितना खाते हो उतना तो आगे बढ़ेगा। शरीर के लिए क्या खाते हो आप लोग, चावल घेवल जो भी खाते हो, और अंदर के इंसान के लिए क्या खाना देना चाहिए, बोलो वचन। आवाज से बोले वचन, जोर से बोले वचन। जितना वचन देंगे उतना क्या होगा, ताकत बढ़ते, जीवन बढ़ते जाएगा।
तुम्हारे अंदरनीय जीवन में तुम बढ़ते जाएंगे। शरीर में जैसा तुम बढ़ते हो वैसे अंदरनीय जीवन में भी बढ़ना है, भीतरी जीवन में बढ़ना, भीतरी जिंदगी में बढ़ना है। इसलिए यहां लिखा है टू गिव इंक्रीज ऑफ लाइफ, जैसा फिजिकल लाइफ, जैसे तुम शरीर में बढ़ते हो वैसे ही तुम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हो। अब द स्पिरिट क्विकनिंग एज रस पर द स्पिरिट एंटीड विद द न्यू ग्रेटर पावर ऑफ लाइफ मेटाफोरिकली ऑफ सी क्विकनेड इनटू लाइफ गारमेंट स्प्रिंगिंग ऑफ ग्रोइंग, तुम बढ़ते जाएंगे क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हें जिलाने वाला अंदर बैठा है। वाइटलाइज हे हालेलुया, वो तुम्हें जिलाता है, दूसरों को जिलाने के लिए रखता है। आज जितने भी आए मैं तुमसे कहता हूं वापिस वही वचन पे जाके खत्म करेंगे, भजन संहिता 16 अध्याय 8 वचन, जैसा डेविड राजा राजा दाऊद राजा कहता है कि परमेश्वर को मेरे समूह में मैंने निरंतर रखा। वापिस उस कोई बड़े उस वचन को 16 अध्याय 8 भजन संहिता साम चैप्टर 16 वर्स 8 मैंने परमेश्वर को निरंतर अपने समूह में। मैंने आपको बोला एक बड़ा दाऊद जिनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, उनके सारा चारों तरफ में शत्रु थे, दुश्मन थे, इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम उनके जीवन में होता था, लेकिन वो कहता है कि मैंने परमेश्वर को निरंतर अपने समूह में क्या किया है, मैंने रखा। इसका मतलब इतने तकलीफ के बीच में उनकी मुंडी खाटने के लिए पूरा दुनिया घूम रही थी, लेकिन वो कह रहा मेरा मुंडी को कोई खाट नहीं सकता क्योंकि मेरे अंदर ईश्वर की राज चलती है। हालेलुया, आवाज से बोले हालेलुया। एक भेड़ चराने वाला दाऊद इतनी बड़ी सिंहासन में बैठा है जो पूरे दुनिया को हुकुम चला रहा है, वो कह रहा है कि ईश्वर को मैंने निरंतर अपने समूह में रखा है इसीलिए कि वह मेरा दाहिने हाथ रखता रहता, कभी मैं डगमगाऊंगा नहीं। हे ग्लोरी टू गॉड, ताली बजा, धन्यवाद, हे हालेलुया। बोले मैं डगमगाऊंगा नहीं, आवाज से बोले मैं डगमगाऊंगा नहीं। आज लोग डगमगाते, छोटा सा एकदम बहुत बड़ा परिवार दिखता है, बहुत बड़े धन दौलत है, ओ कितना बड़ा परिवार है, ये कितना बड़ा बंगला है, महल है, लेकिन अचानक एक बीमारी आया, पूरा परिवार में सब दुख का छाया दिख रही है। क्या हो गया, काय झालं, काय झालं, कंपला काय संपला, सगला गेला, प्रेज़ गॉड, भरपूर पैसा है लोकांकडे, आमेन, चिकार पैसा है त्यांच्याकडे, पण काय होत नाही, प्रेज़ गॉड। ज्यांच्याकडे देवाची भीती आहे ते सर्वदा आनंदित मध्ये आहे, त्याला कुठलाही आजार स्पर्श करू शकत नाही। पैसे किसी की जान नहीं बचा सकती है। कभी कभी एरिया में बहुत बड़ी रवड़ी घूमते हैं, ओ हम बड़ा गुंडागिरी करते हैं, अकेला जाना गुंडागिरी करना है तो यहां 10 लोग का रखा, इधर 10 लोग का रखा, तेरा तेरा जान का तुझे खतरा है, तुझे मालूम है। मेरे भाई तेरा गुंडा विंडा एक दो दिन में खत्म हो जाएंगे, दूसरी नंबर की कमाई दो दिन में खत्म हो जाएंगे। पैसा किसी की जान नहीं देती है, पैसा किसी को बीमारी से चंगाई नहीं कर सकता है। डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर मैं तुमको कितना देना उतना देता, डॉक्टर बोलता है हमारे पास लिमिट खत्म हो गया है, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं कितना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, लेके जाओ खत्म हो जाएंगे। पैसा किसी की जान नहीं बचा सकती है, पैसा किसी को जान नहीं दे सकता है, लेकिन प्रभु तुम्हें जान दे सकता है, प्रभु तुम्हें जान दे सकता है, प्रभु की डर तुझे जान दे सकती है, ईश्वर की डर तेरा जिंदगी बदल सकता है, ईश्वर की भाई तेरा जिंदगी बदल सकती है। कभी कभी एक बार मेरा चर्च में बहुत बड़े धनवान परिवार है जिनके पास दो किडनी फेल हो गई थी, मैंने उन लोग बहुत उनके परिवार रोने लगे, तो मैंने बोला इस ऊपर विश्वास करो जरूर दो किडनी ठीक हो जाएंगे। प्रार्थना किया, दो किडनी ठीक हो गया, आमेन। लेकिन दो किडनी ठीक हो गया तो वापस यीशु को टाटा देकर, क्यों जश्न में नहीं आते, बहुत बिजी है लोग, जब ठीक हो जाता ना बिजी हो जाते हैं। अचानक एक साल के बाद मुझे फोन आए, मैं बहुत बड़ी मीटिंग में था, मैंने बोला कौन है, मुझे वो रोने की आवाज आ रही थी, मैं बोला कौन है, वो लोग बता रहे हैं
बता रहे हम लोग आए थे अब दुआ के, मैं समझ रहा नहीं आप कौन है। करीबन उसी दिन 20-25 फोन आया था। तो फिर मैंने बोला देखो मैं बहुत दूर में हूँ, कभी कभी हम लोग प्रभु दूर लेकर चला जाता है, क्योंकि हम नजदीक रहेंगे तो हम आपके ऊपर दया करेंगे। आमेन। तो बोला मैं बहुत दूर हूँ। बोला नहीं आप आना है, आना है। फिर मुझे मैं जा नहीं सका। फिर जैसे मैं मुंबई में आया तो फिर मैंने सुनने में आया कि वो मुलुंड में सीरियस में, तो वापस उनके घर में करीबन 10-15 लोग मेरे घर पे आके बैठ गए। अब मेरे साथ आना ही आना है। मैंने उनको कितना समझा, जब आपको आपके पति को जो दो किडनी फेल, उनकी बेटी आए थे, उनके गांव की बेटी, सब दुनिया भर के सब लोग आ गए। मैं बोला सबके सामने मैंने बोला जब तुम रोके इधर आए तो हमने दुआ किया, प्रभु ने तुम्हारे पति का किडनी को ठीक किया था, फिर तुमने आया ही नहीं, अभी क्षमा करो कैसा भी मेरे पति को बचाओ। मैं बोला देखो मैं तो दुआ करने के लिए हूँ, जरूर दुआ करूंगा। तो मैंने बोला मुझे मेरे मन में, क्योंकि प्रभु मेरे अंदर वो दे रहा नहीं कि उनके लिए दुआ करने के लिए, कभी कभी मेरे मन मतलब हम लोग करना चाहते हैं परमेश्वर इजाजत नहीं देते तो हम क्या करें। फिर भी मैंने बोला आता हूँ करके मैंने मुलुंड में आधा रास्ता भी नहीं गया फोन आया कि वो बहुत सीरियस में है, डॉक्टर 5 मिनट का समय दिया है। मैंने बाइक को भगाया, भगा भगा के गया हॉस्पिटल में, और जैसे मैं उस आईसी वार्ड था, उसकी लड़का ने मेरे हाथ पकड़ के रोने लगा, पास्टर मेरे पापा को बचाओ तुम। मैं बोला मैं क्या करूं। फिर मैंने अंदर आईसी वार्ड में अंदर गया, डॉक्टर दौड़ के आया, कोई अंदर मत जाओ, छुओ मत उसके शरीर को। उनको एक्चुअली कुछ डॉक्टर क्या करते हैं मालूम है, एक बड़ा ऐसा बड़ा फूका लगा देते हैं, मतलब उसको जान है करके उसका नाटक करते हैं, बहुत डॉक्टर की ये चालक चलती है। एक्चुअली वो मर गया, काफी घंटे के पहले मर गया, लेकिन वो लोग ऐसा काली फोकट के लिए रखा है। फिर डॉक्टर आया, हाँ मर गया, मतलब क्या करें। सो कभी कभी यीशु मसीह लोगों को मौका देता है, समय देता है। इधर तो इतने बीमारी ठीक हुआ ना, उसका हिसाब नहीं है, उसको मैं गिन नहीं सकता हूँ, गिनेगा तो मेरे पास उंगली भी नहीं है, और ना तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ना तो हमारे अकाउंट में बैठे हैं। इतनी चमत्कार हुआ, लेकिन उसमें कुछ लोग आज भी सच्चा है, आज भी सच्चाई में है, लेकिन कुछ लोग सच्चाई नहीं है। मैं आए हुए सबसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपके ऊपर दया करता है। यीशु मसीह किसी को मारने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह ने शैतान से तुम्हें बचाने के लिए आया, तुम्हें नरक से बचाने के लिए आया, इसलिए वो क्रूस के ऊपर उसकी दोनों हाथ में खिले मारा गए, उसकी पाँव में खिले मारा गए, उसके सिर में कांटे की मुकुट लगाया गया, वो सारे विश्व का पाप अपने शरीर में उठा लिया, सारे विश्व का बीमारी उसने उठा लिया, सारे विश्व को श्राप उसने उठा लिया, सारे विश्व का अपराध उसने उठा लिया, सारे विश्व का गुनाह उसने उठा लिया, सारे विश्व का सारे गंदगी अपने पर उठा लिया। यीशु मसीह मरा और शैतान की सिर कुचला, उसके सारे अधिकार छीना, यीशु मर गया, तीसरा दिन मृत्यु से जी उठा। हालेलुया। सबका खबर बंद है, लेकिन यीशु का खबर आज भी खुला है। इसलिए यीशु ने बोला मैं मर गया, तीसरे दिन जी उठा, और सारे दुनिया को बताओ जो मेरे नाम पर विश्वास करेगा वो आनंद काल का जीवन पाएगा, और वो सीधा जिस दिन मरेगा वो सीधा स्वर्ग में आएगा। यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई स्वर्ग में नहीं आ सकता है। आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ। आप सबसे यीशु प्यार करता है, आप अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे इस समय।